स्विमिंग पूल रेस्टोरेशन। मधुरा नगर में मोना भाई कोई बिजनेस शुरू करने की सोचा। वही बात को अपने दोस्त जो रियल एस्टेट व्यापारी था रिमी भाई उसे बताया। अरे रिमी, मैं कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ रे। बिना कुछ मेहनत करके पैर पर पैर रख कर हर महीना 4 पैसे मिले, ऐसा कुछ बिजनेस आइडिया बताओ रे। मन में रिमी भाई, अरे मस्त बकरा मिला है रे, इसे वो खराब हुआ स्विमिंग पूल किसी भी तरह खरीदवाना होगा। सोचकर मोना भाई से रिमी भाई, तुम्हारे मुताबिक कुछ देखूं तो तुम स्विमिंग पूल को शुरू करोगे तो लगता है सही होगा रे। जितना मुझे समझ आता है तुम्हें कोच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम खुद एक बड़ा स्विमिंग चैंपियन हो। सुबह शाम 100 स्टूडेंट्स को तैरना सिखा दो, बस पैसे अपने आप आकर तुम्हारे अकाउंट में गिर जाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है रिमी, लेकिन स्विमिंग पूल वगैरह बनाने में तो बहुत खर्चा होगा ना, और उतनी बड़ी जगह हमको कहाँ से मिलेगा? हाँ वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, वैसे तुम जो कह रहे हो वो भी सही है। एक काम करते हैं, कोई पुराना स्विमिंग पूल को लेकर उसका रिस्टोरेशन करवा के उसमें अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो अच्छा होगा ना। तो फिर किस बात की देर, वो पुराना स्विमिंग पूल कहाँ है देखो, उसका रिस्टोरेशन करवाते हैं। कहती रिमी भाई मोना भाई को एक पुराने स्विमिंग पूल की जगह पर लेकर गया। वो देखने में एकदम खराब था। बेचने वाला ओनर रिमी भाई को दूसरी तरफ ले जाकर, रिमी भाई इस पूल की पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दोस्त को बताया था ना? धीरे से रिमी भाई, हाँ कह दिया जी, सामने से पैसे आ रहे हैं वो नहीं लेकर फ्लैशबैक में एक एक पॉइंट निकाल रहे हो। कहते हुए उसे डांट कर उसके पैसे उन्हें दे दिया, वो लेकर चले गया। तब रिमी भाई मोना भाई से, अब और किसका इंतजार है, कल ही किसी को बुलाकर इस स्विमिंग पूल को रिस्टोरेशन करवा के काम शुरू करो। ठीक है कहकर फिर स्विमिंग पूल रेस्टोरेशन करने वाले राजा सिंह को बुलवाया। वो ये पूल देखते ही राजा सिंह, अरे मोना भाई तुमने ये स्विमिंग पूल क्यों खरीदे, इसके पीछे बड़ी कहानी है, वो सब जानकर ही खरीदे हो क्या? अगर मुझे पता होता कि ये पूल है तो मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आता था। क्या हुआ राजा सिंह, इस पूल की क्या कहानी है? राजा सिंह बोलना शुरू किया, कई साल पहले ये पूल जब बना तो खूब चलता था, बिल्कुल भी खाली नहीं रहता था। वो ओनर पर तो पैसों की बरसात होती थी। एक दिन एक पीवट बहुत ज्यादा पीकर उस नशे में प्यास की वजह से इस स्विमिंग पूल में पानी पीने के लिए उतरा था, बस वो सांस नहीं ले पाया तो इसी में मर गया। इसलिए उसकी आत्मा इस स्विमिंग पूल में दिखने की वजह से स्टूडेंट्स आना बंद कर दिए, इसलिए इसके पूल में उसकी आत्मा है कहकर लोग मानते हैं। क्या राजा सिंह तुम भी अभी इतना एडवांस साइंस टाइम में भूत प्रेत आत्मा ये सब लेकर बैठे हो, पहले तुम इसे ठीक करवाओ। तो राजा सिंह उस स्विमिंग पूल को एकदम शानदार तरीके से रिस्टोरेशन करवा कर दे दिया। उसे देखकर खुश होकर मोना भाई, राजा सिंह तुम बहुत महान हो भाई, देखो तुम्हारे हाथ लगते ही ये पूल कैसे चमक रहा है, एकदम नया दिख रहा है, ये लो पैसे लो, बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर उसके हाथ में पैसे दिया। वो पैसे लेकर राजा सिंह, आप कुछ भी कहो मोना भाई, इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेच दो, क्यों बोल रहा हूँ समझो? अरे पगले राजा सिंह, तुम जैसे लोग बहुत डरते हैं, खैर हमें उनसे क्या लेना देना, कल ही मैं इसे ओपन कर देता हूँ, पहले इसे पूरा पानी से भर देता हूँ, कहकर पूल को पानी से भर दिया। अगले दिन पूल ओपनिंग पर सबको बुलाया। सब आने के बाद देखे तो अगले दिन पूल में एक बूंद तक पानी नहीं था। वो देखकर आए हुए लोग, ये क्या मोना भाई, स्विमिंग पूल ओपनिंग बताए और पूल में तो एक बूंद तक पानी भी नहीं रहा, तो क्या लोग हवा में तैरे? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी, कल रात को तो पूल पूरा तरह से भर दिया था, आप कैसे गायब हो गया पता नहीं, रुको आज भी पानी भरता हूँ, कहकर फिर से पूल में पानी भरा और सोचा देखता हूँ ये पानी गायब कैसे हो गया, और कुर्सी लगाकर वहीं पर बैठकर देखते रहा। ठीक आधी रात को एक बड़ा सा भूत आकर, अरे मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए इतना पानी रखे हो तो इस महापुरुष को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया रे, कहकर पूल का सारा पानी को एक घूंट में पी गया। बस वो देखकर भाग निकला मोना भाई के आगे जाकर भूत खड़ा हुआ, बस तुम्हें पता है मैं इस पूल को क्यों नहीं छोड़ा, मेरा अविध तरीके से कमाए हुए 100 करोड़
इस पुल के नीचे ही छुपाया। कामड़ी की बात यह है कि वो पैसे में लेने के लिए आया और इस पुल में डूबकर मर गया। मरने के बाद यह पुल ही मेरा घर बन गया। फिर तुम इसे ठीक कराओगे तो लोग आएंगे ना, वे आएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? करेक्ट बॉस, लेकिन मैंने इस पर इतना इन्वेस्ट किया ना, तो मैं भी लॉस में चला जाऊंगा ना। तो भूत अच्छे से सोचकर, ठीक है तुम्हारा भी लॉस ना हो और मेरा भी अपना घर न खोऊं, तो हम एक अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं। इसके नीचे छुपाए सारे ब्लैक मनी तुम ले लो, उससे तुम कोई और बिजनेस शुरू करो। इस स्विमिंग पूल को मेरे लिए वैसे की वैसे ही छोड़ दो, क्या कहते हो? ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं क्यों मना करूंगा। तुरंत जाकर अपने दोस्त रिमी भाई को ये बात बताता हूँ। वो कमीना पूरा का पूरा चोर है, कोई नहीं खरीदने वाले इस पुल को वो तुम्हें ज्यादा पैसे में बेच दिया, वही धोखेबाज है, उसे तुम बच के रहना। कहने से मोना भाई वहाँ रखे ब्लैक मनी को लेकर उस पुल को भूत के प्रकार वैसे का वैसा छोड़ दिया। धोखेबाज रिमी भाई को अपने आसपास भी नहीं आने दिया। वो वहाँ से मिले पैसों से दूसरा व्यापार करके अच्छे से जीने लगा। गैस सिलेंडर रिस्टोरेशन। उमापुर के गांव में हरि कहकर एक वेल्डर रहता था। वो लोहे की सामान का वेल्डिंग करता रहता था। हरि के शॉप में विजय कहकर और एक लड़का भी वेल्डिंग करता था। विजय बचपन से ही बहुत मेहनत करता था, लेकिन हरि उनको अच्छे से पैसा नहीं देता था। इतना ही नहीं बल्कि विजय की बहुत बेइज्जती भी करता था। एक दिन दो कस्टमर शॉप में आए थे। तब विजय हरि से, भाई मैं अब से इधर काम नहीं करना चाहता हूँ भाई, मैं खुद का एक शॉप लगाना चाहता हूँ। इतने साल तक तुम्हारे पास काम करने के लिए मुझे कुछ न कुछ पैसा दोगे तो अच्छा रहता है भाई। ये तो बहुत बढ़िया विचार है विजय, इधर के बहुत गांवों को खाली हरि का ही एक वेल्डिंग शॉप है, इसलिए हरि का भी ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए हरि भी आजकल ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है। तुम भी शॉप लगाओगे तो हरि को भी थोड़ा भारा कम हो जाएगा। तब हरि मन में, अबे ओए विजय, तुम बहुत होशियारी से कस्टमर्स के सामने कहकर मेरा मुंह बंद करा दिया, देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे धोखा देता हूँ। सोचकर विजय से, विजय बचपन में तुम एक अनाथ हो और तुमको मैंने ही काम सिखाया और एक रास्ता दिखाया, लेकिन तुमको भी पता है ना कि हमारे वेल्डिंग के काम में इतना फायदा नहीं होता है, इसलिए मैं तुमको पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे पास एक पुराना गैस सिलेंडर है, वो भी तुम्हारे साथ ही मिला है, वही तुम्हारा संपत्ति समझकर लेके जाओ, बस इतना मैं कर सकता हूँ। तब मन में विजय, कंजूस कहीं का, मुझे 15 साल उपयोग करके ये पुराना सिलेंडर देते हो, ठीक है जो भी है तुमसे छुटकारा पाना ही बड़ी बात है। सोचा हरि ने एक पुराना घटिया सिलेंडर को ले आकर उसे दिया। विजय उसे घर लेके गया। अब विजय के पास उनकी प्रेमिका कीर्ति आई। विजय कीर्ति को हरि ने दिया हुआ सिलेंडर को दिखाया। विजय चलो जाकर उस हरि को मार देते हैं, इतना साल काम करवा के तुमको एक डब्बा सिलेंडर देता है, मुझे तो रोना आ रहा है। तुम शॉप कब लगाओगे? मैं अपने प्यार के बारे में पिताजी को कब बताऊंगी? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है विजय, ये सिलेंडर मेरे मजाक उड़ा रहा है जैसा दिख रहा है। कहकर उस सिलेंडर को पैर से लात मारी। वो सिलेंडर नीचे गिरा, लेकिन कुछ लोहे का आवाज नहीं आया। ये क्या, नीचे गिरने से भी लोहे का आवाज नहीं आया, एक बार देखो। तब सिलेंडर को देखकर विजय, ये तो जंग नहीं है कीर्ति, मिट्टी ऑयल और गंध है। इतनी पुरानी सिलेंडर को जंग नहीं लगा है बोले तो ये प्लास्टिक का तो नहीं है ना, कहकर उसे बाहर ले जाकर उसे रिस्टोरेशन किया। तब वो एक सोने के सिलेंडर जैसा चमकने लगी। उसे देखकर दोनों चौंक गए। इससे हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। तुम्हारे मुंह रे बेवकूफ, वो हरि ने क्या कहा, जब तुम अनाथ थे तब तुम्हारे साथ वो सिलेंडर भी मिला है कहा था ना, तो उसे तुम मिले हो कहकर क्यों सोचना है, वो तुमको किडनैप भी तो किया होगा। तुम्हारे साथ ये सोने का सिलेंडर मिला है तो तुम्हारे माँ बाप कितने अमीर होंगे, जाकर उस हरि को अच्छे से मारो तब वो सच बताएगा। तब विजय और कीर्ति दोनों मिलकर हरि के शॉप के पास गए थे। उधर एक 10 साल का बच्चा, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा के पास लेके जाओ कहकर रोने लगा। उनको देखकर बच्चे से विजय, बेटा कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो? अंकल कल रात में अपने मम्मी डैडी के साथ मंदिर देखने के लिए आया था, मैं रात कमरे में सो गया था, लेकिन सुबह उठकर देखा तो मैं इधर आया हूँ कहकर रोने लगा। तब हरि को पकड़कर विजय,
क्यों रे, मुझे बचपन में किडनैप किया वैसे ही इस बच्चे को भी किडनैप किया है क्या? तो तुम्हारे जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को किडनैप करते हो, बदमाश कहीं का, कहकर उसको खूब पीटने लगा। अरे विजय क्या बक रहे हो, मैं किडनैप क्यों करूंगा, कह रहा था। तब उधर पुलिस आए और हरी को पकड़कर खूब पीटे। सर प्लीज सर मुझे मत मारो, मैं सच बोलता हूँ, उस बच्चे को मैंने ही किडनैप किया। वैसे ही विजय को भी 15 साल पहले बिजनेसमैन वरदान साहब के घर से किडनैप किया था सर। तब पुलिस हरी को अरेस्ट करके लेके गए। अगले दिन विजय और कीर्ति को ऐसे ही बिजनेसमैन वरदान के घर लेके गया और वरदान जी को हरी के बारे में सब कुछ कहा। तब वरदान और उनके परिवार वाले उनके बेटे विजय वापस मिलने पर बहुत खुश हो गए थे। बाद में कुछ दिनों के बाद विजय और कीर्ति की शादी भी बहुत धूमधाम से किए थे।